वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई आज सुबह जो मैं जीके का टेस्ट लेके आया हूँ, इसके पहले अभी तक कुल 40 टेस्ट ये लेके 40 टेस्ट हो जाएंगे। यदि आप लोगों ने पीछे वाले टेस्ट को नहीं दिया हो तो पीछे वाले टेस्ट को भी दे दीजिएगा। प्लेलिस्ट में इसका सारे वीडियोज़ एक साथ आपको मिलेंगे। टेस्ट का बेनिफिट क्या है कि टेस्ट से डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे। टेस्ट से याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेस्ट से। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। कम से कम 60-70% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि टेस्ट में मैंने कराया है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप लोग छोड़ के जाइएगा और क्वेश्चंस आ गए तो समझिए उस समय आपको कितना ख़राब लगेगा खुद को भी। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हर क्वेश्चन में आपको 4-5 सेकंड का समय दिया जाएगा। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, मतलब सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, कॉफ़ी का, कपास का, मैंगनीज का या अभ्रक का? तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात अभ्रक का करता है। किसका? अभ्रक का। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत का पूर्वी तट पर स्थित है, यानी कौन सा बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कांडला, कोची, मामुरगाव या पारादीप। तो कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा डी, पारादीप जो है पूर्वी तट पर स्थित है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला प्रांत कौन सा है? 2011 जनगणना के अनुसार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का बेसिकली आप लोगों को सही जवाब बताना है तो वो बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें समुद्र तट नहीं है? पहला ऑप्शन ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, कौन सा राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो मध्य प्रदेश में कोई समुद्र तट नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है। नेक्स्ट है, गंगटोक जो है किस प्रांत की राजधानी है, गंगटोक किसकी राजधानी है? पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, सिक्किम या मिजोरम। तो गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पणजी किस राज्य की राजधानी है, पणजी इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? क्या आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो पणजी किस स्टेट की कैपिटल है? तो वो गोवा की है। नेक्स्ट है, भारत में सोने की खान किस राज्य में है, भारत में जो सोने के राज्य है किस खान में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? चलिए बेसिकली इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब बताना है, भारत में सोने की खान किस राज्य में है? तो भारत में सोने की खान कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी किस फसल से तैयार की जाती है, चीनी किस फसल से तैयार की जाती है, गाजर, खजूर, गन्ना या सोयाबीन? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आप लोगों को सही जवाब देना है, चीनी जो है वह गन्ना से तैयार की जाती है। सरसों किस मौसम की फसल है, सरसों जो होती है किस मौसम में होती है? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आप लोगों को सही जवाब पता होगा। पहला ऑप्शन है खरीफ, रबी, वर्षा या जायज। तो सरसों किस मौसम की फसल है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, सरसों किस खनिज की फसल है? तो वो एक रबी फसल है। नेक्स्ट है, बाघा सीमा किन देशों के बीच स्थित है, बाघा बॉर्डर किन देशों के बीच है, भारत, नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान या भारत चीन या भारत पाकिस्तान? तो बाघा सीमा जो है वो किन देशों के बीच स्थित है? तो वो भारत और पाक के बीच स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, उदयपुर? तो चिल्का झील आप लोगों का उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, मरुस्थल में कैसी मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थल में कैसी मिट्टी पाई जाती है, बालू रेत, जलोर, दोमट या चिकनी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, मरुस्थल में बालू रेत मिट्टी पाई जाती है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क, अमृतसर, माउंट आबू या अमरनाथ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बेसिकली देना है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसका सही जवाब अमृतसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, बालू, लाल, जलोढ़, काली।
तो कपास के लिए किस काली मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, बालू, लाल, जलोढ़ या काली मिट्टी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो यह ऑप्शन डी यानी काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, याद रखिए काली मिट्टी। नेक्स्ट है, डल झील कहाँ पर है, उत्तराखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो डल झील कहाँ पर उपस्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, जो डल झील है वो भारत में कहाँ स्थित है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है, करावती, पंजी, पोर्ट ब्लेयर या आपका क्या एक ऑप्शन है, पौंडीचेरी। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी बेसिकली इसका जो सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ये इजी क्वेश्चन आपसे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट, बिहार का विषाद है, बिहार का विषाद क्या है, दामोदर, सोन, कोसी या गंडक? तो बिहार का विषाद क्या है, तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब मैं आपको बताता हूँ, बिहार का विषाद यानी कोसी नदी है। शोक, विषाद मतलब शोक होता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा? तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में दीजिए, इतना इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, मिजोरम की राजधानी कोहिमा, इम्फाल, गंगटोक या आइजोल? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है मिजोरम की राजधानी, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, देखते हैं आप लोगों का नॉलेज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, जमुना, गोमती या चंबल? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताया जा रहा है, तो मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। यमुना नदी कौन सी राज्य में है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दमन और दीव की राजधानी, दमन एंड दीव की राजधानी क्या मुझे बताना होगा, पहला ऑप्शन दमन, सिलासा, सिलवासा या कोई नहीं? तो दमन एंड दीव की जो राजधानी है क्या आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जरूर आप इसे भी कमेंट बॉक्स में डालिए, जो जो कमेंट बॉक्स में बोला है आज वो कमेंट बॉक्स में डालिए, टेस्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगा इसलिए कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, यमुना नदी? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब अभी तक आप लोग तय कर चुके होंगे, तो भाखड़ा नांगल जो बांध है वो किस नदी पर है, भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, गोदावरी, यमुना, महानदी या कावेरी? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्वेश्चन ये है, तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा, यमुना जो नदी वो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो मैंने कर्क रेखा आपको कितनी बार बताया है कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इतना याद रखिएगा, और कौन कौन सी राज्य से गुजरती है कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए इसका आंसर, कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में कम से कम 4 से 5 बार आप लोगों को बताया था, ज्योग्राफी टॉप 40 क्वेश्चन में मैंने 50 क्वेश्चन में उसको कराया हूँ, इसलिए मैं उसका आंसर तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में वो सही जवाब दीजिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो आपको बता देते हैं, पर आपको वो जो मैंने बताया वो बताना होगा, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट एंड इजी क्वेश्चन, इसको भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि जो इजी है क्या मैं बताऊँ वो तो आपको आता ही होगा। झारखंड की राजधानी क्या है, धनबाद, हजारीबाग, रांची, इनमें से कोई नहीं? तो इसे भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए एंड देन अपना स्कोर बताइए, कमेंट बॉक्स में जो डालते हैं शायद आपको पता हो कि वो सही आंसर है, तो आप उसका मार्क्स भी अपना ऐड कर लीजिएगा। टोटल 25 में कितने मार्क्स आपको मिले हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये टेस्ट नंबर 40 था, इसके पहले मैंने 39 टेस्ट करवा चुका हूँ,
तो यदि आप लोगों ने वो टेस्ट नहीं दिया तो वो टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट इतना ही इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट से ही आपका क्वेश्चन आएगा, टेस्ट के बाहर से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, वो भी मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगा। तो टेस्ट के बाहर और टॉपिक वाइज के बाहर जीके का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। टेस्ट दे के आप अपना एबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप अभी कितना पानी में हैं, ठीक है। टेस्ट का यही सब बेनिफिट्स हैं। यदि आप टेस्ट दीजिएगा तो मतलब आप कनेक्ट से रहिएगा, स्टडी से जुड़ा रहिएगा। डेली आप 25 क्वेश्चन आपको नॉलेज मिलेगा, 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाइएगा तो खुद को एक आत्मविश्वास आएगा कि हाँ हम इतना क्वेश्चन कर सकते हैं। टेस्ट नहीं दीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।